नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y31 2021 वर्सेस Vivo Y20G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y31 2021 में 6.45 इंच जबकि Vivo Y20G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y31 2021 में 2.96 इंच जबकि Vivo Y20G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y31 2021 में 0.33 इंच जबकि Vivo Y20G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y31 2021 में 188 ग्राम जबकि Vivo Y20G में 192.3 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 देखने को मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y31 2021 में 6.58 इंचेस जबकि Vivo Y20G में 6.51 इंचेस की साइज देखने को मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo Y31 2021 में 1080x2408 और Vivo Y20G में 720x1600 देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y31 2021 में 84.75% जबकि Vivo Y20G में 81.57% देखने को मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo Y31 2021 में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y20G में 270 पिक्सेल प्रति इंच देखने को मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y31 2021 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y20G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo Y31 2021 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y20G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo Y31 2021 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Vivo Y20G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo Y31 2021 में Adreno 610 जबकि Vivo Y20G में Mali G52 MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y31 2021 में Qualcomm Snapdragon 662 और Vivo Y20G में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6GB देखने को मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Vivo Y31 2021 में अप टू 1TB जबकि Vivo Y20G में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo Y31 2021 की 16,490 रुपीस जबकि Vivo Y20 GT 14,690 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y31 2021 में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Vivo Y20 G की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Vivo Y31 2021 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में Vivo Y31 2021 आगे है। परफॉर्मेंस में Vivo Y20 G आगे है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme 7 है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo Y51 2020 है जो कि 17,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y5 AK है जो कि 16,790 रुपए में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।